pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. यूक्रेन में तबाही की जंग चल रही है, बम गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें बरस रही हैं, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, लाशें गिर रही हैं। इस बीच रूस यूक्रेन की जंग अब दो महाशक्तियों के दो पावरफुल राष्ट्रपतियों की पर्सनल जंग में तब्दील हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और यह हमला सीधे पुतिन की शख्सियत पर था, पुतिन की छवि पर था। बाइडेन ने पुतिन के लिए जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया वो अब तक उन्होंने शायद कभी ना किया हो। पुतिन पर हुए निजी हमले से रूस किस तरह भड़क गया है ये बताने से पहले सुनिए बाइडेन ने पुतिन को क्या कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी पहले ही कह चुके थे, अब उन्होंने पुतिन को एक शुद्ध ठग और कातिल तानाशाह तक कह दिया। जाहिर है पुतिन के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल रूस के लिए गवारा नहीं था। रूस ने भी बाइडेन पर पलटवार किया, कहा अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। रूस ने अमेरिका को आईना भी दिखाया। बाइडेन पर पलटवार करते हुए पुतिन के प्रवक्ता ने कहा ये वही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो पूरी दुनिया के मासूम लोगों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और महिलाओं पर बम गिराते हैं, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो, लीबिया हो और भी न जाने कितने देश। लेकिन अमेरिका को रूस के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रूस यूक्रेन की जंग का दायरा पुतिन और बाइडेन के बीच जुबानी जंग में बढ़ गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि ये जुबानी जंग मैदानी जंग में न तब्दील हो, नहीं तो दुनिया बहुत बुरा दौर देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।